शोहरत हासिल करने के लिए दलजीत के पति बने निखिल, तो वहीं एक्ट्रेस की फेम का अपने लिए किया है इस्तेमाल। दलजीत कौर की दूसरी शादी का बन गया है तमाशा। एनआरआई हस्बैंड से मिले धोखे का न्याय मांगने के लिए लिया है कोर्ट का सहारा। दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर पिछले कुछ दिनों से अपनी शादी को टूटने को लेकर खूब सुर्खियों में है। आखिर 41 साल की उम्र में दलजीत को अपने घर को एक बार फिर से बिखरते देखने का दुख जो मिल रहा है, यानी कि मिला है उन्हें अपने पति से धोखा। क्योंकि दोस्तों, दलजीत के पहले पति यानी कि शालिन भानोट से मिले टॉर्चर के बाद दलजीत ने पिछले साल ही एनआरआई निखिल पटेल के संग शादी रचाई। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद से ही इनके दूर होने की खबरें जोरों शोरों से सामने आने लगी। लेकिन शायद दलजीत कौर को ये बात नहीं पता थी कि उनके दूसरे हस्बैंड यानी कि एनआरआई निखिल पटेल भी उनके साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें शोहरत की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, जहां एक तरफ इनके दूर होने की खबरें खूब जोरों शोरों से हैं, तो वहीं इनकी शादी की टूटने की खबरों के बीच में एक ये खबर भी खूब सुर्खियां पकड़ रही है कि दलजीत कौर के साथ सिर्फ निख पटेल इसलिए थे कि उन्हें शोहरत की जरूरत थी, फेम की जरूरत थी। और सिर्फ ये बात सामने ही नहीं आई बल्कि इसके दावे भी किए गए और दावे किए गए खुद दलजीत कौर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, खुद दलजीत कौर के आरोप है निख पटेल पर कि उनकी फेम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि दलजीत कौर इंडियन बॉलीवुड का एक जाना माना हिस्सा है। और यहाँ ये सभी आरोप लगाते हुए दलजीत कौर का कहना ये रहा कि उन्हें भगवान के लिए मेरे नाम पर फेम लेना बंद कर देना चाहिए और पॉपुलैरिटी के लिए इतना बेताब होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने एक पीआर को काम पर रखा है जो कि सबसे बड़ा मजाक है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, यहाँ तक कि दलजीत कौर तो निख पटेल पर इंडिया के रीति रिवाजों का मजाक बनाने का भी आरोप लगा रही हैं और केन्या के अधिकारियों से उनके और उनके बेटे के लिए हक मांगने की बात कही है। और दलजीत ही नहीं, इसे लेकर एक मीडिया रिपोर्ट भी सामने आई है जहाँ की उनके कहने ये है कि निक पटेल अच्छी तरह से जानते थे कि वो अपने निजी जीवन को सबके सामने लाकर ज्यादा से ज्यादा फेम पा सकते हैं और यही वजह है कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर प्रोपेगेंडा बनाया और मीडिया में कुछ प्रेस रिलीज की और उन्हें ये पता था कि कुछ मीडिया पर्सन उनकी तरफ से बोलेंगे। और इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उन्हें पता था कि अगर वो दलजीत को धोखा देंगे तो इससे उनकी छवि पर असर पड़ेगा, क्योंकि दलजीत कई बार ये दावा कर चुकी है कि निखिल उनके प्रति वफादार नहीं है और इसीलिए उन्होंने एक सोची समझी रणनीति बनाई है। आपको बता दें दोस्तों कि दलजीत कौर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपनी कोई ना कोई पोस्ट के जरिए ये दिखा रही हैं कि उन्हें कैसे उनके दूसरे पति निक पटेल से धोखा मिला है। और यहाँ तक कि दलजीत भारत और केन्या दोनों में ही अपने अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ रही हैं और इन्होंने अपनी इस बात को कोर्ट तक भी पहुँचा दिया है। लेकिन अब दलजीत कौर की शादी से जुड़ी कितनी खबरें और आना बाकी है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इनके रिश्ते को लेकर कमेंट सेशन में बताइएगा जरूर, आपको कौन सही लगता है और कौन नहीं। और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।